हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग। और आज ये एक व्लॉग टाइप का वीडियो होने जा रहा है। मुझे नहीं पता व्लॉगिंग में क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, उतना नॉलेज नहीं है मुझे। बट मैंने सोचा कि आज मैं जो दिन में करने जा रही हूँ ना, आपके साथ शेयर करूँ। सुबह सुबह उठ के बस बाल झाड़ के आपके सामने ऐसे आ गई हूँ। ये आइज़ मेरी कितनी अजीब सी लग रही है और आई डोंट नो, पता नहीं कैसा लग रहा है, जो भी लग रहा है। बट आप लोग अब मेरी फैमिली जैसा हो गए हैं, मुझसे कनेक्टेड है, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ में एक और प्लीज़ कोविड में ना प्रिकॉशंस लिए स्टीमिंग करते रहिए और क्या कहते हैं काढ़ा पीते रहिए। और आज मैंने सोचा कि एक रैंडम सा मैं व्लॉग बना दूँ, बट मैं वैसे जल्दी बनाती नहीं हूँ। बट सो के सुबह सुबह उठ के मैंने सोचा चलो फैमिली से मिल लेती हूँ आज सुबह सुबह। अभी मैं स्टीमिंग लेने जा रही हूँ नहाने से पहले, क्योंकि मैं भूल गई थी। यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मेरा पानी चढ़ा हुआ है। इसके बाद मैं स्टीम लूँगी और स्टीमिंग के बाद मैं फिर नहाने जाऊँगी ताकि मेरा आधा घंटा हो जाए। मैंने दवा खाया, आधा घंटा के बाद कुछ खाना है, तब तक मैं आराम से नहा भी लूँगी। और नहाने से पहले मैं क्या क्या लगाती हूँ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है स्टीमिंग से दोनों काम हो जाता है, कोरोना वायरस भी भाग जाता है। आई मीन कोरोना वायरस भाग नहीं जाता, बट आपको प्रिकॉशंस लेते रहना है और आपका चेहरा भी ग्लोई ग्लोई सा हो जाएगा स्टीमिंग से, ये आप देख सकते हैं। और मेरा फ़ोन का बैटरी बिल्कुल लो हो गया है, अब मैं जल्दी से चार्ज करती हूँ, नहाती हूँ। नहीं, नहाने से पहले का मैं सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मैं जल्दी से फ़ोन को चार्ज करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब मैं नहाने जा रही हूँ, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं क्या लगाती हूँ, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने अपने बाल को फोल्ड कर लिया ताकि मेरे बाल भींग ना। ये देखिए यहाँ पर मैं ये लगाने जा रही हूँ, इसमें मैंने क्या क्या मिलाया, इट स्मेल सो नाइस। ये यहाँ पे मैं ऑरेंज पील पाउडर, जो मैंने ऑरेंज खाया था उसका पील को मैंने सुखाया और उसे पूरा अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद कुछ अच्छा सा पाउडर बन गया, उस पाउडर को मैं यहाँ पे डाल ली हूँ। उसमें बेसन मैंने मिलाया है और थोड़ा सा दही मिलाया है और इस तरह का फाइन पेस्ट कुछ बन गया। ये देखिए, अब मैं इसे जल्द से अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे और ज़्यादा नहीं 5 मिनट रखती हूँ, उसके बाद ड्राई हो जाता है। उसे अच्छे से एकदम हल्का दही लेके पूरा मसाज करूँगी और उसके बाद इसे धो दूँगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, हाँ मुझे कुछ और भी अप्लाई करना था, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरा ब्लेमिसेस हो गया यहाँ पे, तो उसके लिए मैं कुछ लगा रही हूँ ताकि वो धीरे धीरे मेरा लाइटन हो जाए। क्योंकि मैं थोड़ा तबियत ठीक नहीं था, तो मैं उसमें ध्यान नहीं दे पाई थी ठीक से खुद पे। बट अब फिर से मुझे अपने फेस पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे अपने फेस से बहुत प्यार है। और बाहर का कुछ भी ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, हाँ मैं मसाज करती हूँ, फेशियल करती हूँ, बट ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मैं मसाज करती हूँ जिसमें मुझे भरोसा होता हो। और एक दो बार मैंने जो किया, मुझे लगा कि हाँ ये आप यूज़फुल है, तो मैं वही करती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा फेशियल किट यूज़ करती हूँ, तो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और जल्द से मैं अभी इसे फेस पैक को लगाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैंने फुल पहना है इसलिए हाथ पे लगा नहीं पाऊंगी, बट मैं इतना दूर तक ज़रूर यूज़ करूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हाथ में भी टैनिंग पसंद नहीं है। मैं बहुत अपने फेस का मैं अपने फेस और हाथ का बहुत ख्याल रखती हूँ। ये लाइट जो है ना मेरे खिड़की का है, जो मेरे फेस पे भी आ जा रहा है। मैंने स्टैंड नहीं लगाया, बस मैंने इसे अभी कैमरे को रख दिया है यहाँ पे। और मैं एक और व्लॉग बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे सूट करती हूँ, मैं क्या क्या स्ट्रगल्स रहती हूँ सूट करने के टाइम में, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। धीरे धीरे रिवील होगा, एक बार में नहीं। फेस पे अप्लाई हो गया, हाथ पे अप्लाई करती हूँ, जल्दी सुखा के धो के उसके बाद नहा के मैं मिलती हूँ आपसे। ओके, और मुझे एक और चीज़ लगाना था, मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, अभी सब कुछ जल्द से कंप्लीट करती हूँ उसके बाद आती हूँ। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे पूजा करना है, पूजा करने के बाद मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैं अब नहा के आ गई हूँ, लगा लेती हूँ, बहुत ही ड्राई ड्राई सा लग रहा है, तो मैं क्या लगाती हूँ आपको दिखाती हूँ। अगर मैं डेली में जो जो करती हूँ ना, मैं वो करने जा रही हूँ, सबसे पहले अपने फेस में टोनर लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का सन प्रोटेक्शन लगा रही हूँ, मैं डेली लगाती हूँ, चाहे कहीं मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि सन प्रोटेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके फेस के लिए, तो जल्द से लगाती हूँ उसे। यहाँ पे बायोटेक का कोकोनट क्रीम लगा रही हूँ। अभी लोकेशन मेरा सही नहीं है और मैंने यहाँ पे कोई स्टैंड भी नहीं रखा, नहीं यहाँ पे जहाँ मुझे मौका मिला ना मैं वहाँ रख ली, और काफ़ी हल्ला भी हो रहा है घर में, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती थी, बस जल्दी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ऑयल फ्रेम का सिंपल सा पाउडर लगा रही हूँ, जो पहले ही अप्लाई कर लिया था, सब काम मेरा हो गया है। अब जल्दी बाल को रैपअप करती हूँ और उसके बाद देखिए लड़की कितनी बनमास है, इसको वीडियो में नहीं लेकर आए तो क्या किए, ब्रेड अंदर छुपा दिए, पूरा देखिए मेरे बिस्तर में पूरा ब्रेड
पूरा स्प्रेड कर दिया। और ये बेडशीट मेरा मीशो का है और इसका मैंने रिव्यू भी किया, काफ़ी अच्छी बेडशीट थी, तो 3 बार धो भी दिया, उसके बाद भी कोई रंग नहीं गया। देखिए काफ़ी प्यार से बेडशीट है, क्योंकि इसे लग रहा है कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं रेडी हो रही थी। और इसे जो भी कहीं जाता है ना, आई मीन जो भी तैयार होता है, इसे लगता है कहीं जा रहा है। ये देखिए अब उधर भाग रही है। सो गाइज, मेरा ब्लॉग कभी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब गाइज मेरा सब कुछ हो गया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। रहने के लिए यू हैव टू डू ओनली वन थिंग दैट आई ऑलवेज से, वहाँ जो रेड कलर का बटन दिया है ना, उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। बाय।